हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज का टॉपिक जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए है। इस टॉपिक में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जिन लोगों को कोडिंग नहीं आती और जो कोडिंग करना पसंद नहीं करते, बहुत सारे लोग हैं जिनको कोडिंग करना नहीं पसंद है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए कौन सी ऐसे आईटी जॉब्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं जिनमें फ्रेशर्स आराम से जॉब ले सकते हैं। तो आज उन्हीं करियर को लेके मैं बात करूंगा और बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी फील्ड हैं जिसमें आप लोग जो है अपना करियर जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं और उसमें अच्छी जॉब करके अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन की है करीबन 8 जॉब्स जो कि मेरे नज़र में बहुत ही अच्छी और रेस्पेक्टेबल और रिप्यूटेड जॉब्स हैं जिनमें पैसा भी बहुत अच्छा खासा मिलता है दोस्तों। और ये सारी की सारी आईटी कंपनी में अवेलेबल होती हैं। इनमें कोई कोडिंग नहीं लगती है। जो भी जॉब्स मैं बताने जा रहा हूँ ये नो कोडिंग आईटी जॉब्स हैं, ठीक है। तो हर एक के बारे में मैं बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे पहला जो जॉब है वो है प्रोडक्ट मैनेजर। अब किसी भी कंपनी में दोस्तों देखिए क्या होता है, कोई भी आईटी कंपनी अगर आप लेंगे तो वहाँ पे जो है सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं या फिर क्लाइंट से बात करके सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं या SaaS या SaaS मॉडल पे जो है सॉफ्टवेयर का काम होता है। तो जब सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं तो उनको बनाने, क्योंकि वो एक प्रकार का प्रोडक्ट है, ठीक है, अब उसको हैंडल करने के लिए भी एक पर्सन चाहिए होता है, तो उसको हम प्रोडक्ट मैनेजर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही क्लोजली प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ मिलके काम करते हैं, जिसका जो कि अगला डेजिग्नेशन है, ठीक है। ये दोनों जो है बहुत ही क्लोजली काम करते हैं और इसमें जो है बिल्कुल भी कोडिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, कोडिंग नहीं लगती है और इसमें जो है फ्रेशर जा सकते हैं। हालांकि हाँ, मैनेजर की पोस्ट शुरुआत में नहीं मिलती है, धीरे से आप लोगों को शुरुआत करना पड़ता है, लेकिन ये है कि आगे चल के आप प्रोडक्ट मैनेजर बनाए जा सकते हैं, बन सकते हैं। जो स्किल सेट्स जो आपको रिक्वायरमेंट होगी वो जहाँ तक मैं जानता हूँ आप लोगों की एक्सेल स्किल्स तो अच्छी होनी ही चाहिए, ठीक है, और साथ में आप लोगों की कोऑर्डिनेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए और बातचीत करने का तरीका, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल स्किल सेट्स हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। बस एक टेक्निकल में एक ही चीज़ है, वो है एक्सेल। एक्सेल मैं तो लोगों को बोलता ही हूँ कि चाहे फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, आप लोगों को एक्सेल आनी ही चाहिए। एडवांस एक्सेल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि उसमें आप रिपोर्टिंग करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो नॉर्मल एडवांस एक्सेल आप लोगों को आनी चाहिए। अगर नहीं आता है तो कोर्स स्टार्ट कर दें और पढ़ें उसको, क्योंकि ये आपको हर एक जॉब में रिक्वायर्ड होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का जॉब हो, अगर आपको आता है तो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला जो है प्रोडक्ट मैनेजर और दूसरा है प्रोजेक्ट मैनेजर। अब प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो प्रोडक्ट मैनेजर के साथ मिलके काम करता है। अब प्रोजेक्ट मैनेजर भी आप तुरंत ही नहीं बनते हैं, इसका भी पायदान होता है, इसके इसके भी जो है स्टार्टिंग पॉइंट कहीं और से होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट में एंट्री करने से के लिए जो है सबसे पहले आपको जो है एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करना पड़ता है। आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ठीक है। एक्सेल में आपको रिपोर्टें बनानी होंगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं एक अलग से वीडियो में आप लोगों को हर एक के बारे में बताऊंगा। बस यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि ये सारी जो है स्टार्टिंग की जॉब हैं जो कि नॉन कोडिंग आईटी जॉब्स होती हैं और इनमें जो है आप अपना करियर बना सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये तो दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजर था। और तीसरा जो जॉब है दोस्तों वो SEO या SEM स्पेशलिस्ट है। ये डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है। डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में ही बहुत ही बड़ा करियर स्कोप होता है दोस्तों, ठीक है। और अगर आप लोगों को चाहिए तो बताइएगा, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और उसी का हिस्सा आता है SEO, जिसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी बोलते हैं, या फिर SEM या सर्च इंजन मार्केटिंग बोलते हैं। अब अगर SEO या SEM स्पेशलिस्ट कोई है तो उसको बहुत ही ज़्यादा पैसे मिलते हैं और इसमें जाने के लिए भी आपको ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं। आप लोगों को SEO अच्छे से आनी चाहिए, वो आप बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, उसमें देख के आप सीख सकते हैं, या फिर कहीं जाके जो है स्पेशल SEO की कोचिंग भी आप ले सकते हैं, SEM की कोचिंग थोड़ी सी आप ले सकते हैं। वो थोड़ी सी कोचिंग लेने के बाद जो है आप किसी भी छोटी सी कंपनी में इंटर्न करके स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जो है डिजिटल मार्केटिंग में एक छोटा सा रोल लेके स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे करके जो है आप आगे ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक तीसरा पोजिशन है जिसपे जो है आपको कोडिंग नहीं लगती है और आप आराम से जो है ग्रो कर सकते हैं उसमें। फिर अगला आता है मार्केटिंग ऑटोमेशन मैनेजर। अब मार्केटिंग ऑटोमेशन मैनेजर क्या होता है?
मार्केटिंग क्योंकि हर एक कंपनी में रिक्वायर्ड होती ही है, और जहाँ पे मार्केटिंग रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे ऑटोमेशन मैनेजर की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जितने भी मार्केटिंग में फनल्स होते हैं, ठीक है, कि जो मार्केटिंग जब की जाती है तो उसमें क्या रहता है, अलग अलग मार्केटिंग चैनल होते हैं उसके थ्रू मार्केटिंग की जाती है। तो ये मार्केटिंग ऑटोमेशन मैनेजर वो मैनेजर होगा जो कि सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर देगा और उसके बेसिस पे मार्केटिंग होगी दोस्तों। तो ये एक अलग पोजीशन है जिसके लिए जो है कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, और इस पे जो है आप आराम से जॉब पकड़ सकते हैं। फिर अगला आता है बिजनेस एनालिस्ट। अब बिजनेस एनालिस्ट जो है दोस्तों, ये एक बहुत ही अलग सी प्रोफाइल है और नाम भी काफ़ी जो है अट्रैक्टिव सा है, एनालिस्ट की प्रोफाइल होती है। अब ये बहुत ही क्लोजली काम करता है आपके डेवलपर के साथ, साथ ही ये काम क्लोजली काम करता है क्लाइंट के साथ। अब इसका काम क्या होता है, जो भी क्लाइंट रिक्वायरमेंट देता है उसको काफ़ी अच्छे से जो है प्रेजेंट करना, ताकि उसके ऊपर आराम से काम करके जो है जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर काम किया जा सके। तो ये एक अलग सी प्रोफाइल है, इस पे आप लोग काम कर सकते हैं। और बिजनेस एनालिस्ट कई बार जो है बिजनेस को ग्रो करने में भी बहुत बड़ा हाथ इन लोगों का होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है, अगर आप लोग एनालिस्ट प्रोफाइल में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी प्रोफाइल साबित हो सकती है। फिर अगला आता है टेक्निकल रिक्रूटर। अब टेक्निकल रिक्रूटर से यहाँ पे मेरा मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को कोडिंग करना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कोडिंग की जॉब की बात नहीं हो रही है। ये यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर मान लीजिए ये कि आपको कोई पर्सन ढूंढना है, कंपनी ने आपको हायर करने को बोला है, क्योंकि ये रिक्रूटर की प्रोफाइल है, दैट मीन्स ये एचआर में आता है। अब यहाँ पे बीइंग ए रिक्रूटर आपको टेक्निकल रिक्रूटमेंट करनी होती है। अगर आपको कोई जावा प्रोफेशनल चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि जावा में क्या क्या स्किल सेट्स लगते हैं, तो उसके बेसिस पे ही आप जावा प्रोफेशनल ढूंढेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी डेटा साइंटिस्ट को मेरे को हायर करना है, तो डेटा साइंटिस्ट को हायर करने के लिए क्या क्या कीवर्ड्स लगते हैं, क्या क्या टर्म्स लगती हैं जिसको आप यूज़ करके जो है हायर कर सकते हैं। तो ये एक टेक्निकल रिक्रूटर का काम होता है, इसमें भी बहुत अच्छी खासी पे होती है और ग्रोथ के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं दोस्तों। फिर अगला आता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी टेस्टर। अब एक होता है टेस्टर और दूसरा सॉफ्टवेयर क्वालिटी टेस्टर होता है। यहाँ पे जो इनका काम होता है वो ये रहता है कि जो भी सॉफ्टवेयर बन के आता है उसको थोरोली टेस्ट करना, अच्छे से पूरी तरह से टेस्ट करना, ताकि कोई भी भूल चूक ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, और जो सॉफ्टवेयर है वो एकदम बिना एरर के जो है आगे जाके प्रोड्यूस किया जा सके। इसलिए ये एक बहुत ही अच्छी प्रोफाइल बन जाती है। अगर आप लोगों को करियर स्टार्ट करना है तो इसमें भी आप लोग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। फिर अगला आता है जो कि लास्ट में मैंने चूज़ किया है, ऑपरेशन मैनेजर। ऑपरेशन मैनेजर नाम से ही आपको पता लग जाएगा, ये बेसिकली ऑपरेशन का काम पूरा देखता है, और कंपनी में जो भी डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो वेंडर से डील करना हो, ठीक है, क्लाइंट से डील करना हो, तो जितने भी ऑपरेशन रिलेटेड काम हैं वो सारा का सारा जो है ऑपरेशन मैनेजर हैंडल करता है, ठीक है। तो ये कुछ जॉब्स थी दोस्तों जो कि नॉन आईटी सॉरी आईटी जॉब्स हैं बट जिसमें कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो होप आप लोगों को पसंद आया हो। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इन सब के बारे में एक एक करके जो है आप लोगों को ब्यौरा भी दूंगा कि आप लोग इस इन इन फील्ड में जो है कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग अपडेटेड रहिएगा, मैं जल्दी ही इन सब के बारे में एक एक करके जो है वीडियो लेके आऊँगा। इतना ही था दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो आईटी कंपनी में जॉब ही नहीं कर सकते, जबकि ऐसा नहीं है। आईटी कंपनी में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, बस ये है कि ढूंढने की ज़रूरत है, लोगों को पता नहीं होता है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और उनको भी पता लगने दें कि आईटी कंपनी में जो है कोडिंग के अलावा भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं जिसमें वो लोग अपना करियर बना सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा तो। धन्यवाद, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में।